Love Logics. हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। डिंपल, तुम रात भर ऐसे किस पे चिल्ला रही थी? तुम्हारी आवाज मेरे बेडरूम तक आ रही थी। क्या तुम सारी रात जगी हुई थी? ओ हेलो, तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? हाँ, तुम्हारी माँ का तो कोई ठिकाना नहीं, और मेरे पापा तुम पे रहम नहीं खाते तो पता नहीं अब तक किसी कोठे में बैठ चुकी होती। इसलिए पहले अपना सोचो, फिर मुझे सवाल जवाब करने आना, स्टूपिड। डिंपल, भूलो मत कि तुम्हारे पापा मेरे पापा भी हैं, और मैं इस घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मन ही मन खुश होते रहो, कौन मना किया है? पर अब मेरे रूम से निकलो, जाओ यहाँ से। अरिन की माँ उसके पापा की पहली पत्नी थी, जिसके साथ पापा का अरेंज्ड मैरिज हुआ था। कुछ साल बाद जब अरिन बस 3 साल की एक बच्ची थी, उसकी माँ अचानक से कहीं लापता हो गई। फिर अरिन के पापा मिस्टर दिग्विजय चौधरी अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शिखा, जो कि कंपनी में उनकी सेक्रेटरी भी थी, उसके साथ दूसरी शादी कर लिए। शिखा को भी एक बेटी डिंपल और एक बेटा दीपक है, और इस घर में अरिन से हर कोई सौतेला बर्ताव करता था, इंक्लूडिंग उसके पापा भी। क्या बात है, आजकल आप बहुत परेशान रहते हैं, कोई खास रीजन? हाँ शिखा, कंपनी में दिन ब दिन लॉस बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी क्लाइंट हमारे साथ लॉन्ग टर्म में काम नहीं करना चाहता, फिर हम प्रॉफिट कहाँ से बनाएंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका सलूशन कहाँ से ढूंढ निकालूं मैं? और वो मिसेस सालूजा की कंपनी, उनका क्या हुआ? अरे वो तो देश की टॉप मोस्ट कंपनी में से एक है, वो हमारे साथ क्यों काम करना चाहेंगी? 3 दिन बाद क्लब में हमारी कीटी पार्टी है, मैं कुछ तरकीब निकालती हूँ उसे अपने जाल में फंसाने के लिए, आप टेंशन मत लीजिए। इसी डिस्कशन के बीच में अरिन वहां पे आकर पहुंचती है। माँ, माँ, व्हाट नॉनसेंस, कितनी बार मना किया है मुझे माँ बुलाने? हाँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। क्या बोलने आई हो अरिन? पापा, वो कल हमारी रीएडमिशन का लास्ट डेट है, इसलिए। इसलिए क्या, पैसे मांगने आ गई? तुम्हें बार बार बोला है मैंने कि ये पढ़ाई बढ़ाई छोड़ो और नौकरानियों के साथ मिलके घर का काम काज सीखो, फिर भी तुमने मेरी बातों को अनसुना करके मास्टर्स में एडमिशन ले ली। अब रीएडमिशन के लिए पैसे क्यों मांगने आई हो? जाओ खुद से मैनेज करो सब। माँ सॉरी, मुझे आगे की पढ़ाई करनी थी, इसीलिए मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, और ये तो मेरा आखिरी साल है, फिर आप ऐसे क्यों? तुम्हारी मनमानी के लिए मैं अब इतना खर्चा नहीं कर सकता, शादी की उम्र हो गई है, शिखा जैसे बोल रही है वैसे ही घर का काम सीखो। मॉम, डैड, इससे बात हो गई तो मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ बोलो डिंपल, क्या कहने आई हो? परसों एक कंसर्ट है, मुझे किसी भी हाल में वो अटेंड करनी है, एंड एंट्री फीस कुछ 8,000 अराउंड। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ, जाओ मजे करो, यही तो उम्र है एंजॉय करने की। और मेरा रीएडमिशन? सुना नहीं पापा ने क्या कहा? अब दिमाग खराब मत करो हमारा, जाओ यहाँ से, ऑलरेडी बहुत परेशान हैं हम। अरिन के साथ इस घर में सब कैसे बर्ताव करते हैं आपने तो देख ही लिया, पर अरिन को हर हाल में अपना मास्टर्स कंप्लीट करना था। अब रीएडमिशन के लिए पैसे कहाँ से लाऊं मैं? ट्यूशन पढ़ा के जितने पैसे सेव की थी वो तो शायद दीपक ने चोरी कर लिया है पर्स से, अब क्या करूंगी मैं? अरिन जब भी दुखी होती है तब अपनी माँ का पुराना सामान निकाल के देखती है, और इसी में ही उसे सुकून मिलता है। माँ यहाँ से जाते जाते मेरे लिए तो कुछ भी नहीं देखे गई, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती थी? अगर करती होती तो मुझे ऐसे अकेले क्यों छोड़ देती?
बस एक पुराना इयररिंग है माँ का मेरे पास। रीएडमिशन के लिए पैसे तो मुझे कहीं से नहीं मिलने वाला। फिर माँ का ये इयररिंग अपने पास संभाल के रखने से क्या फायदा, इसे ही बेच दूंगी। हाँ, अरिन ये सोच के इयररिंग को अपने पैंट पॉकेट में डाली और चुपचाप घर से निकल गई किसी ज्वेलरी शॉप में उसे बेचने के लिए। रास्ते में चलते चलते हजारों ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे कि माँ की आखिरी निशानी अगर वो बेच दी तो क्या ये गलत नहीं होगा। फिर ये सोची कि उस आखिरी निशानी का क्या करना जब माँ खुद उसके बारे में एक बार भी नहीं सोची। इतनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के कोई कैसे जा सकता है भला। अरिन तो इसी सोच में डूबी हुई थी कि उसे आगे पीछे कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर तभी अचानक से किसी ने बाइक से आते आते अपना कंट्रोल खो दिया और अरिन को पीछे से धक्का दे दिया। अरे अजीब पागल हैं आप, गाड़ी देख के नहीं चला सकते। ओ ओ सॉरी, मेरा कंट्रोल नहीं रहा। अच्छा, ऐसे दिन दहाड़े ड्रिंक करके बाइक चलाते हो और पुलिस तुम्हें पकड़ती भी नहीं। अब तुम्हारे इस नशे के चक्कर में मेरी जान चली जाती तो। ओ सॉरी बोला ना मैम, वैसे मैंने ब्रेक दबा दिया था, नहीं तो आप अब तक सीधा टिकट काट चुकी होती ऊपर। आपको देख के तो लगता है बहुत पढ़े लिखे खानदानी है, पर ऐसे बेहुदा बात कैसे कर सकते हैं आप। हाँ, किसी की जान की कोई कीमत नहीं है आपकी नजरों में। अच्छा बाबा, आई एम सो सॉरी, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, आगे से कभी नहीं होगा, माफ कीजिए महारानी। चलिए, आपको कहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा। मुझे ज्वेलरी शॉप जाना था पर मेरे पैर में चोट लग गई आपकी वजह से, अब चलिए। फिर अरिन उस लड़के के साथ बाइक में ज्वेलरी शॉप तक चली गई और जब वहां पहुंचने के बाद अपने पैंट पॉकेट में हाथ डाली तो इयररिंग नहीं मिला उसे। अरे मेरी इयररिंग कहां गई, हे भगवान, अब क्या बेच के पैसे लाऊं? आपकी वजह से ऐसे हुआ है, लगता है एक्सीडेंट के वक्त कहीं गिर गया होगा। अब ढूंढ के लाओ मेरा गोल्ड इयररिंग। अब उसे ढूंढने से थोड़ी मिलेगा, कोई ना कोई तो ले गया होगा। क्या आप गोल्ड इयररिंग बेचने जा रही थी, पर क्यों? आपसे मतलब, मैं आपको क्यों बताऊंगी मैं क्यों बेचने जा रही थी। हे भगवान, अब मेरे रीएडमिशन के लिए पैसे कहां से लाऊंगी मैं। मिस, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? देखिए, मेरे वजह से आपका ये नुकसान हुआ है, तो आपके रीएडमिशन के लिए पैसे भी मुझे ही देना चाहिए, है ना? हाँ, वैसे बात तो सही है, 10,000 रुपए रीएडमिशन फीस। ओके, ये लीजिए, एंड आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना प्लीज। वो लड़का अरिन के हाथों पैसे थमा के वहां से चला जाता है। अरिन घर वापस आती है और रोज की तरह खाना बना के अपनी सौतेली माँ को खुश करने की कोशिश में लग जाती है। फिर एक दिन शाम को, अरिन मैं एक पार्टी अटेंड करने जा रही हूँ, डिंपल और दीपक को सही टाइम पे खाना दे देना और मुझे वापस आकर तुम्हारे बारे में कोई शिकायत नहीं सुननी, इज दैट क्लियर? ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। बात तो ऐसे कर रही है जैसे मैं इन दोनों के साथ झगड़ा करती हूँ। और मिसेस सलूजा, आजकल आप ज्यादातर किटी पार्टीज अटेंड करने नहीं आती, सब ठीक है ना? हाँ ठीक ही है, बस अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान रहती हूँ। अरे आप जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन की फैमिली अगर बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचने लगेंगे तो हम लोगों का क्या होगा? अरे नहीं नहीं शिखा, बात पैसों की नहीं है। एक्चुअली तुम्हें तो पता है कि मेरे जेठ जी और जेठानी के डेथ के बाद उनका इकलौता बेटा अनिमेश का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ले लिया था। हाँ हाँ, हम सबको पता है कि आप कितना जेनरस हैं, पर ये भी सुना है कि अनिमेश अब किसी के हाथ में नहीं रहा, वो हर वक्त दारू के नशे में चूर रहता है।
फैमिली की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है उसको। एग्जैक्टली उसके वजह से मेरे बेटे की शादी अटकी हुई है। बड़ा भाई घर पे रहते छोटे की शादी, लोग तरह तरह के बातें बनाने लगेंगे। पर ये अनिमेश ना तो कहीं सेटल होता है और ना ही नशे से बाहर निकलता है, फिर इसे कोई लड़की क्यों देगा भला। और हर वक्त गुस्से में, जैसे कुछ बोलने जाओ तो जान ले लेगा तुम्हारा। वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है इन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए। अगर मैं अरीन की शादी इसके नशेड़ी भतीजे के साथ करवा दूं, तो हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और इसका भी। वैसे अनिमेश के साथ तो अरीन कभी खुश नहीं रह पाएगी, और दोनों तरफ से हमारा ही फायदा। मिसेस सालूजा, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई प्रपोज यू समथिंग? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।